सो बेसिक नीड क्या है, एक इन्वेस्टर की बेसिक नीड रहती है कि सेफ्टी के साथ में ग्रोथ कैसे मिले, और उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने देखा कि बड़ी रिस्क वाले खेल हो जाते हैं अगर हम खाली इक्विटी स्टार्टअप्स या ईएफ वगैरह में डालते हैं, और खाली एफडीज वगैरह में डालते हैं तो हमें रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो अगर इन दोनों का बैलेंस कैसे बने कि रिस्क भी कम हो रिटर्न्स भी ज्यादा हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को शुरू किया एक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से। नॉर्मली लोग प्रॉपर्टी में पैसे डालते हैं क्योंकि उन्हें दो कॉन्फिडेंस होते हैं प्रॉपर्टी में कि भाई प्रॉपर्टी खरीदी है तो पैसे जीरो नहीं होंगे, और दूसरा यदि इंतजार कर लूंगा तो देर सवेर इन्फ्लेशन के कारण ग्रोथ के कारण एप्रिसिएशन मिल जाता है। पर जब हम पैसे इक्विटी में डालते हैं तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, सिलेक्शन यदि रॉन्ग हो तो पैसे जीरो होते हैं। तो वहां पे हमें ये डायरेक्ट समझ में आया कि डायरेक्ट इक्विटी के अंदर में रिस्क ज्यादा है, तो हमने पहला डिसीजन ये लिया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पूरी की पूरी जो फिलोसॉफी है उसमें इंडिविजुअल शेयर्स में काम नहीं करेंगे। वी विल इन्वेस्ट मनी ओनली एंड ओनली इन इंडेक्स। सुनने में अजीब लगता है कि खाली इंडेक्स में कैसे काम करेंगे, तो पहले समझते हैं इंडेक्स है क्या। इंडेक्स है इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज। अब ये टॉप वर्ड जो है ना ऐसे खाली 3 लेटर्स का ही है, पर इसका मीनिंग बहुत गहरा है। अच्छा, टॉप मीनिंग कमजोर आइटम अपने आप बाहर निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपने आप अंदर आ जाएगी। आज ये टॉप 50 में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक है। थोड़े समय पहले इन्हीं टॉप 50 स्टॉक में विवेक जी सत्यम भी था, आरकॉम था, रिलायंस कैपिटल था। इनकी वैल्यू टूटी, टूटते ही ये इंडेक्स से बाहर निकल गए और दूसरे स्टॉक अंदर आ गए। मीनिंग क्या हुआ, अगर वो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है तो इसका मीनिंग पहला कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमको ये दे देता है कि ये कभी जीरो तो नहीं हो सकता, ये घट सकेगा, जैसे अभी घटा हुआ है मान लो, ये बढ़ जाएगा पर ये जीरो नहीं होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस हमें क्या समझ में आया, इसकी वैल्यूएशन आती कैसे। थोड़े समय पहले रिलायंस का मार्केट कैप था 13 लाख करोड़, टीसीएस का मार्केट कैप था 12 लाख करोड़, ऐसे हम 50 स्टॉक्स का मार्केट कैप ढूंढे, इट वॉज अराउंड 117 लाख करोड़ एंड दिस वॉज इक्वल टू 15,000 इंडेक्स। मीनिंग क्या हुआ, स्टॉक का भाव बढ़ता है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो टोटल बढ़ता है तो इंडेक्स बढ़ता है, और वैसे ही इंडेक्स टूटता भी है। अब हमारा ये समझना है कि अगर आज इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट कंपनी है यदि वो 13 लाख करोड़ की है, तो जो भविष्य में इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी होगी आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद, लॉजिकली उसका वैल्यूएशन 13 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोथ। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.